हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अगर हम ये कहें कि सलमान और रणवीर कपूर के बीच दोस्ती हो गई है तो क्या आप मानेंगे? और अगर हम ये कहें कि ईद के मौके पर रणवीर कपूर आलिया के साथ सलमान से मिलने पहुंचे तो भी क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आज से 10 साल पहले जो हुआ उसके बाद तो इस खबर पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर अगर हम ये कहें कि ये बात सच है तो आप क्या कहेंगे? शायद प्रूफ मांगेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले ये प्रूफ देखिए। सबसे पहले रणवीर आलिया की ये तस्वीर देखिए। तस्वीर कोई खास नहीं, लेकिन पीछे के बैकग्राउंड पर ध्यान दीजिए, वो एसी, वो पंखा और वो खिड़की। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में भी बैकग्राउंड में वही सब चीजें देखने को मिल रही है जो रणवीर वाली तस्वीर में थी। अब आपको बता दें कि ये कमरा सलमान के घर का मीटिंग रूम है, जहां सलमान लोगों से मिलते हैं। अब ये तस्वीर देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईद के मौके पर रणवीर अपनी धर्म पत्नी के साथ सलमान के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। वहीं तस्वीर में भी रणवीर आलिया एक ऐसे ही शख्स के साथ खड़े हैं जिसके साथ दूसरी तस्वीर में सलमान भी खड़े हैं। इससे साफ जाहिर है कि रणवीर आलिया किसी ऐसी जगह पर मौजूद है जहां ये शख्स भी पाया जाता है। हो सकता है ये सलमान का कोई करीबी हो। यही नहीं, कुछ लोगों ने रणवीर को सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसते हुए भी देखा था। इस फोटो को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणवीर कपूर और सलमान ने अपनी सभी पुराने गिले शिकवे भुलाकर दोबारा से दोस्ती कर ली है। अगर आपको याद हो तो रणवीर सलमान खान का झगड़ा कटरीना कैफ को लेकर शुरू हुआ था। माना जाता है कि जिस समय रणवीर ने कटरीना की जिंदगी में दस्तक दी थी, उस समय कटरीना सलमान खान को डेट कर रही थी और रणवीर कपूर के लिए उन्होंने सलमान को छोड़ दिया। तब से रणवीर और सलमान में कोल्ड वॉर चल रही थी। उस समय सलमान और रणवीर के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसमें सलमान ने रणवीर पर हाथ उठा दिया था। उसके बाद सलमान के पापा सलीम खान को कपूर खानदान से माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन अब काफी अरसे के बाद दोनों साथ में दिखे हैं, यानी कि रिश्ते अब ठीक हो गए हैं। सोचा होगा, लड़की तो दोनों में से किसी को नहीं मिली, वो तो किसी तीसरे के साथ फर हो गई, अब लड़ने झगड़ने से क्या फायदा। इसीलिए इस बार ईद पर दोनों ने दोस्ती करने का फैसला कर लिया। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों के मजे यूजर्स लेने में लगे हुए हैं। जैसे ही गैलेक्सी अपार्टमेंट की ये तस्वीर बाहर आई, एक यूजर ने लिखा कि शायद सलमान खान रणवीर की फिल्म में मरीच यानी कि हिरन का किरदार निभा रहे हैं। ये भी खूब कही। आजकल वैसे रणवीर की रामायण को लेकर काफी सितारों का फिल्म में आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में सलमान अगर रामायण का हिस्सा बनते भी हैं तो क्या गलत है? चलिए, देर आए दुरुस्त आए, सलमान से पंगा लेकर आखिर जाते कहां? इसीलिए एनिमल ने सोचा टाइगर से पंगा लेकर जंगल में रहेंगे कैसे। अब इसके लिए ईद से बढ़िया मौका भला कौन सा हो सकता था। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।